अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने नकली कॉस्मेटिक मिलने की सूचना पर आज कंपनी की प्रतिनिधि ने पुलिस लेकर भगत सिंह मार्केट में छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में नकली बताते हुए कॉस्मेटिक बरामद किया गया। पुलिस रूपक कॉस्मेटिक स्टोर के मालिक रूपक खरबंदा को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। यहां व्यापारियों ने इस छापेमारी का विरोध करते हुए सीओ कोतवाली का घेराव किया। मौके पर पहुंचे संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि स्वयं को लीगल अटानी बताने वाली नैनतारा यहां आकर छापेमारी करती है और माल बटोर कर ले जाती है। वहीं नैनतारा ने लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। बरामद माल की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि यह प्रारंभिक सूचना पर आधारित है। कॉस्मेटिक व अन्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की लीगल अटॉर्नी नैनतारा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने यह छापा मारा था। रूपक कॉस्मेटिक स्टोर भगत सिंह मार्केट स्थित मधुर कॉम्प्लेक्स में है। इसके संचालक रूपक खरबंदा है। यहां स्वयं को मीडिया का प्रतिनिधि बताते हुए स्टोर संचालक के लोगों ने कंपनी प्रतिनिधि की वीडियो भी बनाने का प्रयास किया, जिस पर वहां तीखी झड़प भी हुई। देखिए। माल बरामदगी व छापेमारी की जानकारी चाहने पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की लीगल अटॉर्नी नैनतारा ने फर्स्ट बाइट टीवी से यह कहा। वीडियो क्यों कर रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ कि हमारा अलाउड नहीं है, वही चीज आप कर रहे हो। पूरा माल मत उठाइए, आपको ले देंगे खत्म करके। तब हमें मना कर दिया, फिर आके बोला कि हमारा कुछ बिल सामान है। मैं बोला कि चेक कर लो, बिल सामान है तो देख लो, वो भी नहीं किया। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? कहाँ से आप? कहाँ से आए? बैंगलोर। बैंगलोर, बैंगलोर से। चलो, कंपनी बैंगलोर ऑफिस। आप जॉइंट मैनेजर हैं? लीगल एडवाइजर आप है ना? लीगल अटॉर्नी। लैक्मी की? लैक्मी की? लैक्मी से किससे? हिंदुस्तानी। क्या मामला था? किसी व्यापारी के यहाँ से बताया जा रहा नकली कॉस्मेटिक का सामान पकड़ा गया। देखिए, ये सूचना मेरे पास भी आई थी। जब मेरे को मेरे व्यापारी ने फ़ोन किया तो मैंने इसकी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद मैंने तत्काल प्रभाव से सीओ कोतवाली और एसपी सिटी साहब से टेलीफोन पर वार्ता की। तब तक मुझे ये पता चला कि जो पुलिस उनके साथ थी वो बिना कोतवाली को बताए, बिना सीओ कोतवाली को बताए, बाकी अधिकारी को बिना बताए इस मैडम के प्रभाव में या किसी प्रभाव में ये यहाँ आ गए। जब मेरी सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब ने मुझे बताया, मैं अभी तत्काल मौके पर आया हूँ, मैं पूरी बात को समझता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैंने अपने व्यापारी को कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग कोतवाली चलिए, सीओ साहब से बात कर लीजिए। सब लोग यहाँ आ गए, मैं भी आया, मैंने सीओ साहब से वार्ता की है। ये सब बातें सामने आई हैं, माल नकली है या असली है, ये इनके कहने से ना तो नकली होगा ना इनके कहने से असली होगा। अगर व्यापारी ने माल खरीदा है और व्यापारी कहीं दोषी होगा तो वो भी देखा जाएगा, लेकिन पहले ये तो पता चला कि माल असली है कि नकली। सर, भगत सिंह मार्केट में रेड पड़ी है व्यापारी के यहाँ पर, क्या पूरा मामला और क्या कुछ बरामद हुआ है वहाँ से? लक्मे कंपनी के एक प्रतिनिधि आई थी, जिनका ये कहना था कि उनकी कंपनी के नकली माल भगत सिंह मार्केट की एक दुकान पर मौजूद है, वहाँ से ये बेचा जा रहा है। सूचना को पुलिस के साथ वहाँ दबिश हुई, दबिश के दौरान माल बरामद हुआ। जो लक्मे के प्रतिनिधि हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, व्यापारी लगातार हंगामा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी आरोप लगा रहे हैं। व्यापारियों में एक आक्रोश था इस दबिश के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को समझाया गया, जो सही बात है वो बताई गई और लोगों ने सहयोग किया।
सर, नकली माल के साथ साथ बताया जा रहा है कि बिना बिलिंग के ना जीएसटी के, यानी कि जीएसटी चोरी भी इसमें साफ साफ की जा रही है व्यापारी द्वारा, सर उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? ये जांच की विषय है और ये प्रकरण जीएसटी विभाग से है, तो इस संबंध में उस विभाग को आगे सर व्यापारी को सर एक कहना हो रहा है, व्यापारी का कहना है कि जब यहाँ पर छापेमारी हुई तो जो क्षेत्राधिकारी यानी कि आप, आपको भी नहीं पता था कि पुलिस की छापेमारी होगी, आपके भी लगातार सवाल कर रहे हैं। नहीं, जब भी इस तरह की दबिश होती है तो सूचना होती है, मैं मौके पर पहुंचा भी था जब ये कार्रवाई हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। और व्यापारियों में एक सामान्य आक्रोश था और उनको समझा दिया गया, सही बात बताई गई और उन्होंने सहयोग किया। माल कितने का है और कितने अमाउंट का है ये उनकी प्रतिनिधि ये बता पाएंगी। अभी उन्होंने रिटर्न तहरीर जो लिखा पढ़े में होता है अभी नहीं दिया है, वो लिख रही हैं, उनके तहरीर आने के बाद ही बताया जा सकता है कि माल कितने अमाउंट का था। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या उषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।